बरेली वासियों को, इस जनपद के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामना देते हैं स्वतंत्रता दिवस की और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की। सब लोग वृक्षारोपण करें इस बीच में और आज़ादी के इस महोत्सव को उल्लासपूर्वक आनंदपूर्वक मनाएं। 15 अगस्त इस बार विशेष है क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस दिन हम अपने घर, हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी पर हम तिरंगा लहराएंगे। तो मैं बरेली वासियों को अभी से इस 15 अगस्त की, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि सभी लोग अपने हर प्रतिष्ठान और घर पर शान के साथ तिरंगा लहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने आप को शामिल कर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को मजबूत करें। बोल तो लो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम फोटो फोटो खींचे जा रहे हो। सर, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ललितेश कुमार सक्सेना है, मैं करने द्वारा अधिकारी नगर निगम बरेली में हूँ। 15 अगस्त पर सभी बरेली वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं सभी बरेली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर घर तिरंगा, सब लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं। तिरंगा हमारी शान है, हमारी हान है और इसका सम्मान करना, और ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हर देश का हर नागरिक से अपने घर पे तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्र है और उसको फहराना चाहिए, जिससे कि हम देशभक्ति की भावनाओं से उत्प्रेरित हो सकें और भरपूर उस दिन अपना खुशियां मनाएं अपने परिवार के साथ। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। BDA हमेशा शहरवासियों के लिए अच्छा अच्छा कार्य करता रहेगा, इसका भरोसा हमने आपके रामगंगा नगर स्कीम बना के दिया है और भविष्य में भी हम नए नए अच्छे अच्छे कार्य बरेली वासियों के लिए करते रहेंगे।